So good morning students, today we are going to discuss one more challenge, that is NSIC, National Space Innovation Challenge. Okay, अभी अभी चंद्रयान 3 गया था, सबने देखा, सबको मजा आया, स्पेस में कैसे सारी प्रोसेसिंग होती है. So after that चंद्रयान 3, correct, so after that चंद्रयान 3, now AIM has provided us an opportunity to learn something about space. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैलेंज है. वी ऑल विल बी पार्टिसिपेट इन दैट एंड वील बी लर्निंग मोर एंड मोर थिंग्स रिगार्डिंग स्पेस. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें इसमें करना क्या. ओके, ये जो हमारा चैलेंज है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज कंप्लीटली फ्री एंड दिस इज अ नेशनल लेवल कैंपेन डिजाइन टू इग्नाइट फ्यूचर स्पेस एंटरप्रेन्योर्स बाय फिलिंग द गैप्स इन द कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इंडियन स्पेस इकोनॉमी. तो सारे स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दे कैन लर्न मेनी थिंग्स, दे कैन अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स एंड देन दे कैन शेयर देयर आइडियाज हियर. सो फॉर दिस चैलेंज रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी बिगन ऑन 11th अगस्त. लर्निंग एंड असाइनमेंट एंड्स, यानी कि जो हमारी फाइनल डेडलाइन है टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट इज 20th सेप्टेम्बर. टूडे इज 4th सेप्टेम्बर एंड 20th सेप्टेम्बर इज द लास्ट डेट टू सबमिट आवर असाइनमेंट्स हियर. And result announcement will be on 9th October. That is World Space Week. Okay? So, अभी हमारा target है कि हम अपने अपने project submit करेंगे before 20th, यानी कि 18th September तक हमें अपने अपने projects यहाँ पर submit करने हैं. Clear? इसका flow क्या है? That is inspiration, learn, build, showcase and win. So, we have to understand first that what we have to do. So, what you will get here? You will get inspired, learn directly from industry experts, seek opportunities, learn the opportunities in space, innovate your way, build a sustainable solution, showcase to the world, present your idea to the world, and win exciting prizes. So, इसमें सबसे अच्छी बात ये है that first we will get explanation sessions. तो सबसे पहले आपको सीखना है. Experts will teach you, will show you what you have to do. तो हमें पहले सीखने को मिलेगा. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू गिव अ सॉल्यूशन टू द इवेंट. ओके, प्रोग्राम बेनिफिट्स क्या है आपके लिए कि आपको अ रिपोजिटरी ऑफ टेक्निकल स्किल्स, मेंटोर वीडियोस एंड डू इट योरसेल्फ कंटेंट, असाइनमेंट्स, रिपोर्ट सबमिशन, सब कुछ आपको पोर्टल पे मिलेगा. वहां पे मेंटोर के सेशंस हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कैसे करना है. आपको असाइनमेंट किस फॉर्मेट में सबमिट करना है उसके डिटेल्स भी गिवन है. आपको अपनी रिपोर्ट कैसे सबमिट करनी है उसकी डिटेल्स भी गिवन है. आपको सब बस अच्छे से रीड आउट करना है एंड अपना असाइनमेंट सबमिट करना है. ओके, तो एक्सक्लूसिव एंट्री टू द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस बाय अ मास्टर क्लास सेशंस बाय एक्सपर्ट्स. तो जो स्पेस एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से आपको मास्टर क्लास मिलने वाली है. दे विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग. But these are pre-recorded mentor sessions. So you have to listen them, you have to understand them, then you have to make your own project and then you have to submit that to get prizes and certificates. Okay? Participation certificate aapko milega AIM, Niti Aayog and ISRO se. Indian Space Research Organization. So all participants who are participating in this event will receive an participation certificate from AIM, Niti Aayog and ISRO. And this certificate will be auto-generated on the LPLMS portal. ठीक है? Certificate of excellence. So top students, जो top करने वाले हैं, who get the chance to showcase their project, they will get a certificate again from the industry leaders of ISRO. And there are many more prizes also. Clear? स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हमें सीखना है इसको. सो इट हैज मेंटोर लेड सेशन. टॉप 6 स्पेस साइंटिस्ट, स्पेस इंडस्ट्री लीडर्स और एंटरप्रेन्योर के सेशन है जो हमें देखने हैं. आफ्टर दैट जूनियर साइंटिस्ट. सो एज यू आर इन 6th स्टैंडर्ड यू हैव टू गो फॉर दिस जूनियर साइंटिस्ट कैटेगरी. तो यहाँ पर आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखोगे, रिसोर्सेज देखोगे एंड देन हियर इज 2 ऑप्शंस. फर्स्ट है स्पेस जंक कलेक्शन रोबोट एंड सेकेंड इज रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन. तो आप ये दोनों लर्न कर सकते हो या दोनों में से चूज करना है आपको एक.
okay, you have to select one option from both of these, either space junk collection robot or reusable rocket design. And then you will watch the pre-recorded session, जिसका भी आपने चूज किया है उसका, then you will make a final report and that you have to submit in the form of PPT, video and word document. Okay, research report भी आपको share करना होगा. Complete guidelines are already given on the portal. कि आपको किस format में submit करना है, कितने words में लिखना है, क्या draw करना है, everything is given there. ठीक है, these are mentors. Skyroot Aerospace से पवन कुमार चंदना, को फाउंडर सीईओ, इनके सेशंस हैं वहां पे. ओके, डॉक्टर विनोद कुमार के सेशंस हैं. सो दीज आर सम एक्सपर्ट्स जिनके सेशंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे. ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस. एटीएल इंचार्ज एंड स्कूल टीचर्स में सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन ड्राफ्टिंग देयर रिसर्च रिपोर्ट. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. उसके बाद आपको अपना आइडिया सबमिशन देना है एंड वी आर हियर टू हेल्प यू. जब आप अपनी फाइनल रिपोर्ट ड्राफ्ट करेंगे तो आपके टीचर्स विल हेल्प यू. ठीक है, तो आप अपना आइडिया लेकर अपनी मैम के पास आएंगे और आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको ड्राफ्ट करने में आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट एक्यूरेटली एंटर द डिटेल्स ऑफ देयर कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी. यानी कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जितनी भी डिटेल्स है वो आपको करेक्टली फिल करनी है, सो दैट वेन यू गेट द सर्टिफिकेट एवरीथिंग शुड बी राइट देयर. ओके, और अगर आपकी डिटेल्स गलत होती हैं तो इवेंट में भी आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हो. सो एवरी डिटेल दैट यू फिल आउट इन द थिंग्स यू हैव टू फिल दैट करेक्टली. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे करने वाले हैं. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शेयर कि आपको करना कैसे है. So this link I'll share with you, all of you. Just a minute, I'm sorry. Here, this link I will share with all of you. What you have to do, ये link आप open करने के बाद सबसे पहले you have to go for the registration part. So click on the registration here. Okay. When you click on the registration here, it will ask you some details, user registration. So fill out your detail, full name, let's say Bhavna Gupta. Is your school registered with ATL? Yes, we have ATL lab. Select your school from the list. So aapko yahan se apna school select karna hai. Aap Shorvin type karoge, aapka school aa jayega. So select this from here. Grade aapke standard mein ho, let's say you're in 6th. फोन नंबर, आपका जो भी फोन नंबर है. ठीक है, देन योर ईमेल एड्रेस हियर एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड. यहां पर आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, कंफर्म पासवर्ड एंड क्लिक ऑन द रजिस्टर. ओके, जब आप ये कर लोगे रजिस्टर, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉग इन ऑप्शन हियर. ओके, लॉगिन पे आप करोगे, एज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सो लेट्स पुट ईमेल आईडी हियर. मैंने अपनी ईमेल आईडी डाली, देन मुझे अपना पासवर्ड डालना है. ठीक है, एंड पासवर्ड डाल के जस्ट लॉगिन. लॉगिन कर लिया, आपके पास पोर्टल आ गया. लॉगिन के बाद यू हैव टू गो दिस एनएसआईसी बिकॉज वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ना. लॉगिन करने के बाद क्लिक ऑन दिस एनएसआईसी फ्रॉम हियर एंड एनएसआईसी पर क्लिक करने के बाद दैट इज नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर एनरोल नाउ. ठीक है, नाउ यू आर हियर ऑन एनरोल नाउ. ये आपका कंप्लीट कोर्स स्टेटस है. एंड जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो हियर इज द कोर्स जो आपको अपना, आपने एनरोलमेंट किया था, अपनी क्लास डाली थी. अगर आप क्लास गलत डालोगे तो यू विल गेट द डिफरेंट कोर्स. तो आपको अपनी क्लास करेक्ट फिल करनी है यहाँ पे एंड हियर यू कैन स्टार्ट लर्निंग. सो क्लिक ऑन दिस स्टार्ट लर्निंग.
ओके, एंड एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट लर्निंग, आपको यहाँ कंप्लीट कोर्स डिटेल्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? कंप्लीट कोर्स डिटेल्स मिलेंगे आपको. अब वो कंप्लीट कोर्स डिटेल्स में जाके हमको क्या करना है? कंप्लीट कोर्स डिटेल्स में जाके हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है. सो हियर आर द कोर्स डिटेल्स. सी, तो हमको कौन सा वाला करना है? जूनियर साइंटिस्ट. जूनियर साइंटिस्ट में आप जाओगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन स्पेस जंक कलेक्शन रोबोट इज हियर, सेकंड रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन इज हियर. तो आपने दोनों में से जो भी चूज किया है, यू कैन गो फॉर दैट वीडियो एंड यू कैन चेक दैट. हियर आर द डिटेल्स. वन, फॉर फिफ्थ टू एट्थ ग्रेड स्पेस जंक कलेक्शन रोबोट डिजाइन, फॉर फिफ्थ टू एट्थ ग्रेड रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन. ओके, सो इफ आई गो फॉर दिस वीडियो जस्ट क्लिक हियर. सी, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका वीडियो यहां आ जाएगा एंड यू कैन जस्ट क्लिक दिस एंड यू कैन नो द कंप्लीट थिंग फॉर दिस स्पेस जंक कलेक्शन रोबोट. ओके, यू कैन वॉच दिस कंप्लीटली. आई एम नॉट गोइंग विद द कंप्लीट वीडियो, यू हैव टू वॉच दिस केयरफुली. देन आप नेक्स्ट वाला देख सकते हो एंड हियर इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ये देखने के बाद जब आप समझ जाते हो देन यू हैव टू आइडिएट योरसेल्फ. आपको अपना आइडिया देना है एंड हियर इज द गाइडलाइंस कि आपकी रिसर्च रिपोर्ट कैसे बननी चाहिए. रिसर्च रिपोर्ट आपकी बननी चाहिए. सो हियर सबसे पहले आपको टाइटल डालना है रिसर्च रिपोर्ट में. देन देयर शुड बी इंट्रोडक्शन, सॉरी, देन देयर शुड बी अ रिसर्च क्वेश्चन, देन मेथड्स, देन फाइंडिंग्स, देन एनालिसिस, कंक्लूजन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स, अपेंडिसेस. ओके, सो यू हैव टू मेक अ रिसर्च रिपोर्ट इन दिस फॉर्मेट. आप आइडिया लेकर आओ, फॉर रिसर्च रिपोर्ट आप मैम से हेल्प ले सकते हो. ठीक है, यहां से आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि आपको कैसे अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, देन रिपोर्ट सबमिशन कैसे करना है. सो हियर इज द ऑप्शन टू रिपोर्ट सबमिशन. जब आपका रिपोर्ट बन जाता है, इट शुड बी 2000 वर्ड प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि आपका जो रिपोर्ट बनेगी उसमें सिर्फ 2000 वर्ड होने चाहिए. ओके, ये उसके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 10, पासिंग मार्क्स 5, एंड यहां पर आप क्लिक करोगे तो आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको पहले रिपोर्ट अपनी बनानी है और वो यहां पर सबमिट कर दो. जैसे ही आपकी रिपोर्ट यहां पर सबमिट होगी, आपका असाइनमेंट आपके नेम से सबमिट हो जाएगा एंड दिस इज द कोर्स क्लोजर. जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये क्लोजर मैसेज रीड आउट कर सकते हो. बट द मेन थिंग इज दैट बिफोर टिल 18th September आपको ये वीडियोस देखकर सब कुछ लर्न करके अच्छे से सीख के एंड देन यू हैव टू सबमिट योर ओन आइडिया एज एन प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट. ऑलराइट?